हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे जेफरीज की नई रिपोर्ट जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आई है। दोस्तों, 2000 रुपए के आसपास इसका स्टॉक प्राइस अभी है और बहुत ही बड़ा टारगेट दिया है जेफरीज ने रिजल्ट से कुछ दिनों पहले ही। तो ऐसा क्यों इतना बड़ा टारगेट दिया है रिलायंस पर, उसके बारे में हम बताएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम शेयर प्राइस का एनालिसिस करके लाए हैं और ये 2-4 महीने का नहीं दोस्तों, हम 10 साल से ऊपर का हम ये शेयर प्राइस का एनालिसिस किए हैं इस वीडियो में हमने। और Q4 रिजल्ट से पहले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो देखनी चाहिए इन्वेस्टर को, वो सब बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। जेफरीज ने 2600 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर टारगेट दिया है। अभी आप इसका स्टॉक प्राइस 2000 रुपए के आसपास देखेंगे तो मतलब 30%, जी हाँ, 30% ऊपर का अपसाइड का टारगेट है। अब यहाँ पर जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। उनका कहने का है कि लोकल मतलब भारत में अगर कोई चैंपियन बन के कोई कंपनी आ रही है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के दो वर्टिकल, पहला है टेलीकॉम यानी रिलायंस जियो और जियो के प्लेटफॉर्म्स, पहली उसकी बात हो रही है, और दूसरा रिटेल। रिटेल बिजनेस में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह में। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लगभग 1.5 लाख करोड़, 1.5 में लिख देता हूँ, 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़, इतना पैसा उन्होंने टेलीकॉम ने जुटाया था। फेसबुक गूगल जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था दोस्तों। और रिटेल की अगर आप बात करें तो 47,000 करोड़, दोस्तों 47,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। मुबादला था, सिल्वर लेक था, तो इन सब ने इन्वेस्ट किया था दोस्तों। उसके बाद से तो कोई बड़ी डील डील नहीं हुई है। लेकिन अब जेफरीज का कहना है कि अब कोई बड़ा इवेंट बेस्ड ट्रिगर्स ऐसे रह नहीं गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि स्टॉक को रीरेट कर सकती है। पहला, जो कि एफोर्डेबल स्मार्टफोन जो आने की बात है। अगर स्मार्टफोन हम देखते हैं 8,000-10,000 में मिलते हैं, तो और कम रेट में अच्छे स्मार्टफोन्स आए रिलायंस के द्वारा, रिलायंस जियो के द्वारा, तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो दोस्तों, आप इन्वेस्टर है तो इस पर बिल्कुल आपको नजर रखनी है। फ्यूचर ग्रुप के साथ डील दोस्तों, यह ये डील अटकी पड़ी है बीच में, अभी अमेजन भी आ गया है, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर थोड़े बहुत बहुत धुंधला सा दिख रहा है, बहुत क्लैरिटी यहाँ नहीं मिल रही है। और अगली चीज है जो बहुत ही ज्यादा जो कि रिलायंस के हाथ में है, वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। देखिए, ऑयल टू केमिकल तो मेन बिजनेस है, लगभग 60% जो भी एबिट्टा है यहीं से आता है ऑयल टू केमिकल के बिजनेस से। तो ये बिजनेस को अलग होने की बात है। Q4 के रिजल्ट में भी बात है कि इस बिजनेस को अलग ही दिखाया जाएगा। तो ये बिजनेस में कैसे स्टेक सेल होता है, अरामको की बात चल रही है, तो यहाँ पर रिलायंस क्या करती है ऑयल टू केमिकल बिजनेस पर अगले 12 महीनों में इसके होने की संभावना है। तो इन सब चीजों से क्या हुआ है, जो भारत के इन्वेस्टर है उनसे ज्यादा तो बाहर के इन्वेस्टर कंजर्वेटिव कंस्ट्रक्टिव हुए हैं, कंजर्वेटिव नहीं कंस्ट्रक्टिव हुए हैं, ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं। और ये जो है बाहर के इन्वेस्टर ज्यादा अगर किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो ओवरऑल स्टॉक भी बढ़ता ही है जो हमने देखा है। अब स्टॉक प्राइस तो 2000 रुपए के आसपास है, लेकिन रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी बहुत लिया है। जब भी अभी आईटीसी की बात होती है तो दोस्तों, तो मुझे रिलायंस का याद आता है। आप देखिए, ये ब्लैक कलर में मैं 2000, आप देख सकते हैं 2016 का एंड है, 500 रुपए का प्राइस है। वैसे बीच में बोनस आया था तो उस समय स्टॉक का प्राइस 900-1000 के आसपास था, बट ये बोनस के साथ ही एडजस्टेड है, आप 500 को स्टॉक प्राइस मानिए। सरप्राइजिंगली आप यहां देखिए 2009 में भी 500 रुपए का ही प्राइस था। मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली 8 साल की बात करूं तो रिलायंस का भी रिटर्न जो था 0% था दोस्तों। लेकिन फिर 2017 से अभी आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस ऊपर गया है और 4x का रिटर्न मतलब 4 गुना स्टॉक प्राइस बढ़ा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं इक्विटी इन्वेस्टिंग बहुत आसान नहीं है, बड़ा बड़ा पेशेंस आपको यहाँ पर दिखाना पड़ सकता है दोस्तों। बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो बहुत लंबे टाइम तक ना चले। रिलायंस भी ऐसा ही है, 8 साल ऐसा तो नहीं है उन्होंने बिजनेस नहीं किया था, बिजनेस अच्छा किया था, उनका प्रॉफिट्स भी हो रहे थे, लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं था। लेकिन उसके बाद फिर जियो का ट्रिगर आता है और उसके बाद स्टॉक प्राइस देखिए 4 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, यही चीज है, आपको यहाँ पेशेंस रखना है। आपके पास कंपनी अच्छी है तो
तो फिर आपको भविष्य में रिवार्ड जरूर मिलेगा। ये 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज यहां पर है। अगली चीज दोस्तों, यहां पर इन्वेस्टर्स को ध्यान देना है, अप्रैल 30 तारीख को क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन उस दिन होने वाला है। कितना डिविडेंड आता है हमको उस दिन पता चलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट में हमको बहुत कुछ जानने मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट्स देखना है। हमने देखा था Q3 में जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 12.5% हुआ था, रेवेन्यू लेकिन 22% गिरा था। ये जो डिसरप्शन हुआ था कोविड के कारण से, तो वो चीज कितना रेवेन्यू इस बार गिरता है या बढ़ता है हमको पता चलेगा। डेट जो है वो भी डिक्लाइन किया था दोस्तों, और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, ये गूगल आया, तो उसके बाद वो पैसों का इन्होंने डेट को डिक्लाइन किया है। तो देखिए 3.36 लाख करोड़ से 2.57 लाख करोड़ हो गया है। कैश भी कंपनी के पास 2.2 लाख करोड़ का है। तो अभी कितना डेट डिक्लाइन होता है हमको जानने को मिलेगा उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आने वाला है। तो बिल्कुल 30 अप्रैल का आपको हमको वेट करना है। फिलहाल जेफरीज ने ये नए टारगेट दिए हैं 2600 के। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद और ज्यादा एनालिसिस होंगी और फिर नए टारगेट्स भी आएंगे जो कि फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और वो सब चीजें हमारे जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आजादी, यहाँ पर हम सब कुछ यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बस विदा लेते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ। और अभी भी आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो नीचे लिंक्स दी हुई है, आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके कीमती टाइम के लिए।